हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उसका नाम है स्लीपी हॉलो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टीम बार्टन ने और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 17 नवंबर 1999 पे। ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और इस फिल्म पे आप मेन कास्ट पे देख सकते हैं जॉनी डेप, क्रिस्टिना रिकी, क्रिस्टोफर वॉकिन एंड माइकल गैम्बन को। इस फिल्म को वाशिंगटन इरविंग का 1820 का शॉर्ट स्टोरी द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो के ऊपर बेस करके बनाया गया है। अब आते इसका स्टोरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि स्लीपी हॉलो नाम के एक शहर में बहुत सारा मर्डर होता रहता है और खूनी मर्डर करने के बाद अपने साथ विक्टिम का सर ले जाता है। और ऐसे मर्डर क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है इसका तहकीकात करने के लिए न्यूयॉर्क से इकाबॉड क्रेन नाम को एक डिटेक्टिव को भेजा जाता है जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है जॉनी डेप। इसका स्टोरी तो बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों ने स्टोरी को पढ़ा है वो लोग तो जानते ही होंगे कि इसका स्टोरी कैसा है, मगर इसका एग्जीक्यूशन मुझे लगता है और भी अच्छा हो सकता था। पूरा एग्जीक्यूशन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां रह गई है। जैसा स्टोरी मिला था उससे एक बहुत ही अच्छा मूवी बन सकता था। अब इसके स्क्रीन पे, इसका स्क्रीन पे कुछ कुछ जगह में तो लूज है मगर कुछ कुछ सीन्स आपको बोर कर सकता है, मतलब स्क्रीन पे थोड़ा और टाइट हो सकता था। अब आते इस फिल्म का अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म पे जो कास्ट बनाया गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा है और इसका प्रोडक्शन वैल्यू और जो एडिटिंग यहाँ पे दिखाया गया वो एकदम कमाल का है। और इस फिल्म पे जो 1799 का टाइम दिखाया गया है वो हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और इसका जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पे सबका एक्टिंग का बात करते हैं, यहाँ पे सबने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है और जॉनी डेप ने भी तो बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। अगर इसका बीजीएम का बात करें तो इसका बीजीएम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका बीजीएम इस मूवी को और भी सुंदर बनाता है और इस मूवी में जो फील आता है वो इसका बीजीएम की वजह से ही आता है। ये एक हॉरर मूवी है मगर यहाँ पे डरने वाला कुछ बात नहीं है। अब इसका एंडिंग पे, इस मूवी को हैप्पी एंडिंग किया गया है ये आप देखने के बाद ही समझ पाएंगे और इसका एंडिंग मुझे ठीक ठाक ही लगा। ओवरऑल बात करें तो ये अच्छा मूवी है मगर ये मूवी ज़्यादातर बच्चों के लिए है। अगर आपको फैंटेसी मूवी पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही बहुत सारा मूवी और वेब सीरीज़ का रिव्यू पाने के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक टेक केयर। जय हिंद।